तो आज हम फरवरी 2024 में आने वाली 15 फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसी महीने में आने वाली है। कुछ मस्त फिल्में और सीरीज आ रही है, तो वीडियो को एक सेकंड में मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर 15 पे है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म में हमको एक अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सैनन मेन लीड में दिखाई देंगे। फिल्म में हमको एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी दिखाई जाने वाली है। ये फिल्म 9 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। लगा देगी तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? नहीं नहीं सिफरा, वो ऐसी मजाक कर रही है। ओ जोक। नंबर 14 पे है ईगल। ये रवि तेजा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी आने वाली है। फिल्म हिंदी में सहदेव नाम से आ रही है। इस फिल्म में रवि तेजा एक मिस्टीरियस मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें हर कोई ढूंढ रहा है। इनके साथ फिल्म के अंदर काव्या ठापर और अनुपमा परमेश्वरन फीमेल लीड में दिखाई देंगी। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म में हमको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म 9 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी तेलुगु और हिंदी भाषा में। भगवान होता है ये भगवान अच्छा नहीं है, जिद्दी है। नंबर 13 पे है बक्षक। बक्षक एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका ट्रेलर जबरदस्त लग रहा है, एक क्वालिटी फिल्म लग रही है। फिल्म में भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा, साई तम्हानकर और आदित्य श्रीवास्तव जैसे एक्टर दिखाई देंगे। फिल्म को पुलकित डायरेक्ट किए हैं। ये फिल्म SRK की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुई है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी को आने वाली है। एकदम हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। आत्महत्या करना चाहती है। नंबर 12 पे लाल सलाम। ये फिल्म एक पॉलिटिकल स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसको रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत डायरेक्ट किए हैं। फिल्म में विष्णु विशाल और विक्रांत मेन लीड में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी क्रिकेट बैकड्रॉप पर है। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म के अंदर एक्सटेंडेड कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि फिल्म के अंदर मोहिद्दीन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि लाल सलाम फिल्म में कपिल देव का भी छोटा सा कैमियो रोल रहने वाला है। जी हाँ, ये फिल्म 9 फरवरी को आने वाली है, तमिल के साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में। नंबर 11 पर है आर्या सीजन 3। ये आर्या के सीजन 3 का पार्ट 2 होने वाली है। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में सुष्मिता सेन मेन लीड में दिखाई देंगी। सीजन 3 का पार्ट 1 दिसंबर में आया था, जिसमें 4 एपिसोड थे। वहीं पार्ट 2 में भी 4 एपिसोड्स होंगे। ये सीरीज 9 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। नहीं, तुम अपनी नहीं, अपने बच्चों के बलि चढ़ाओगे। नंबर 10 पे मिर्ग। ये फिल्म एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें सतीश कौशिक, राज बब्बर, अनूप सोनी, श्वेताब सिंह नजर आएंगे। ये सतीश कौशिक जी की आखिरी फीचर फिल्म है, जो कि 9 फरवरी को आने वाली है थिएटर्स में। कोई काम नहीं, सारा दिन इंस्टाग्राम, क्या खा रहे हैं, क्या भागने जा रहे हैं। नंबर 9 पे ब्रह्मयुगम। ये फिल्म मच अवेटेड हॉरर ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को लेकर ऑडियंस सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट टीजर ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया है। फिल्म को भूता कालम जैसी अमेजिंग मूवी के डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने डायरेक्ट किया है, तो फिल्म से बहुत उम्मीद है। फिल्म में मेगा स्टार ममोटी के साथ कई सारे एक्टर दिखाई देंगे। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म में ममोटी सर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिल्म में हॉरर और थ्रिल भरपूर होगा। 140 मिनट की ये हॉरर मूवी 15 फरवरी को थिएटर उसमें आएगी, मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में। स्वागत। नंबर 8 पर है कुछ खट्टा हो जाए। ये फिल्म एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें गुरु रंधावा, अनुपम खेर, साई मांजरेकर दिखाई देंगी। फिल्म को जी अशोक डायरेक्ट किए हैं। ये सिंगर गुरु रंधावा की पहली बॉलीवुड फिल्म है, इस फिल्म से ये डेब्यू कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। ये फिल्म 16 फरवरी को आने वाली है थिएटर्स में। तो भाई और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि इस प्यार में कुछ खट्टा
इकट्ठा होने वाला। बस ऑन पर है मैडम वेब। ये फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म है जो कि सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फोर्थ मूवी होगी, जिसकी कहानी मार्वल के कैरेक्टर मैडम वेब के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी। फिल्म में डकोटा जॉनसन, सिडनी स्विनी के साथ कुछ और एक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये फिल्म इंडिया में 16 फरवरी को आने वाली है, इंग्लिश, हिंदी, तामिल और तेलुगु भाषा के अंदर। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बहुत सारे विजन्स आते हैं। नंबर 6 पे है ऑपरेशन वैलेंटाइन। ऑपरेशन वैलेंटाइन एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फाइटर के बाद एक और एरियल एक्शन फिल्म आ रही है जो कि इंस्पायर होने वाली है ट्रू इवेंट से। फाइटर बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं कर रही है। ये फिल्म भी पुलवामा अटैक पर बेस्ड होगी। फिल्म में मेगा प्रिंस वरुण तेज के साथ मानुषी चिल्लर दिखाई देने वाली है। ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ शूट हुई है और ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में आने वाली है। ये फिल्म पहले 16 फरवरी के मौके पर आने वाली थी, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक ये फिल्म हैवी वीएफएक्स वर्क्स की वजह से पोस्टपोन होने वाली है। ये फिल्म अब 16 फरवरी से 23 फरवरी को आने वाली है। जी हाँ, अब जो होगा। नंबर 5 है बोचर। ये एक क्राइम सीरीज होगी जिसको रिची मेहता ने डायरेक्ट किया है, जो कि दिल्ली क्राइम जैसी कमाल की सीरीज को डायरेक्ट किए थे। सीरीज में रोशन मैथ्यू, नमिषा सजयन, दिवेंदु भट्टाचार्य जैसे टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे। दिल्ली क्राइम की तरह ये सीरीज भी ट्रू इवेंट पर बेस्ड होने वाली है। सीरीज में हमें एनिमल हंटर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी। 8 एपिसोड की ये सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर 23 फरवरी को आने वाली है। नंबर 4 पे है द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज काफ़ी बढ़िया होती है। ये सीरीज सीना बोरा मर्डर केस पर बेस्ड होने वाली है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक माँ अपनी बेटी का ही कत्ल कर देती है, क्यों इसके पीछे एक कमाल की कहानी है। ये सीरीज इसी महीने 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। नंबर 3 पे आर्टिकल 370। ये फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जो कि इंस्पायर ट्रू इवेंट से। फिल्म में यामी गौतम, प्रिया मनी, अरुण गोविल के साथ कुछ और एक्टर्स दिखाई देंगे। फिल्म को आदित्य जाम्बले ने डायरेक्ट किया है। आर्टिकल 370 फिल्म 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 2 पे क्रैक। ये फिल्म फरवरी महीने की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। विधु जमाल की ये फिल्म इंडिया की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। जिस फिल्म का टीजर एक्शन से भरपूर नजर आ रहा है और फिल्म के गाने और मजेदार लग रहे हैं। फिल्म में विधु जमाल, नौरा फतेही, एमी जैक्सन, अर्जुन रामपाल दिखाई देंगे। फिल्म को आदित्य दत्त डायरेक्ट किए हैं, जो कि विधु जमाल के साथ ऑलरेडी कमांडो 3 जैसी फिल्म कर चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन की थी। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। ये फिल्म भी 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। डर नहीं, डेयरिंग से खेलता हूं और दिमाग से थोड़ा। नंबर 1 पे है पंचायत सीजन 3। ये 2024 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 और सीजन 2 को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था। पंचायत काफी लोगों की पसंदीदा फेवरेट सीरीज है, मेरी भी। सीजन 2 की एंडिंग काफी ज्यादा इमोशनल हुई थी, तभी से लोग इसके सीजन 3 का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव एक बार फिर से दिखाई देंगे। सीजन 3 का फर्स्ट लुक पोस्टर ऑलरेडी आ चुका है। पंचायत का सीजन 3 इसी महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, पर यह सीरीज इसी महीने नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आने वाली है। इसके अलावा महारानी का सीजन 3 भी इसी महीने सोनी लिप पर आने वाला है। इसके बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आप किस मूवी और वेब सीरीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वैसे फाइटर मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन असली भवंडर आना अभी बाकी है, क्योंकि इंडियन सिनेमा की तरफ से 26 बड़ी फिल्में आ रही है जो कि बॉक्स ऑफिस पर आग लगा सकती है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग उसके बारे में जान सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।